एक शव जिसको लगातार 3 हफ्तों तक डीप फ्रीजर में रखा गया था। सरकार के नुमाइंदों ने राजपूत समाज और परिवार वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन सब के बावजूद भी लोग और परिजन मानने को तैयार नहीं हुए और सरकार से लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। 12 जुलाई को करीब 2 लाख लोग उस गैंगस्टर के एनकाउंटर के विरोध में हुई एक सभा में शामिल हुए, जिसे देखकर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे। इसके बाद राजस्थान सरकार ने उस गैंगस्टर का अंतिम संस्कार करने के लिए अपनी जी जान लगा दी। अगले ही दिन सरकार ने परिवार को अंतिम संस्कार करने की इजाजत लेने के लिए बुलाया और पीछे से पुलिस ने उस गैंगस्टर का अंतिम संस्कार कर दिया था। परिवार ने सरकार पर जबरदस्ती अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया था। एक गैंगस्टर जो सबसे बड़े बही खातों में सूबे के बड़े मुलजिम के तौर पर शुमार है, जिसे अपराध की दुनिया का बादशाह कहा जाता था, जिसने पुलिस तक की नींद हराम कर दी थी, जो सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश के सबसे बड़े गैंगस्टर के रूप में जाना जाता। नमस्कार, मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं द नगरी न्यूज की खास पेशकश क्राइम सीरीज हिस्ट्री शीट में राजस्थान के उस इनामी बदमाश के बारे में जिसने राजस्थान की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं उस खौफनाक गैंगस्टर के बारे में जिसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और कदम रखते ही जुर्म की दुनिया का बादशाह बन गया था। 31 मई 1975 राजस्थान के नागौर जिले के लाडनू तहसील के एक छोटे से गांव सांवराद में राजपूत परिवार में आनंदपाल का जन्म हुआ था। आनंदपाल पढ़ा लिखा था और उसने टीचर बनने के लिए बीएड की ट्रेनिंग भी ली थी, लेकिन टीचर बनने की बजाय वो जुर्म की दुनिया में चला गया और उसकी किस्मत ने उसे अपराध का हेडमास्टर बना दिया था। और उसने धीरे धीरे शराब की तस्करी शुरू कर दी। आनंदपाल एकदम स्टाइल वाले अंदाज में जीने का शौकीन था। वो सिर पर हैट लगाता था, लेदर जैकेट पहनता था और आंखों पर स्टाइलिश चश्मा लगाता था। जब भी सुनवाई के लिए उसे कोर्ट ले जाया जाता तो वो हीरो स्टाइल के रूप में मीडिया में फोटो खिंचवाता था। आपको बता दें, आनंदपाल राजनीति में भी जाना चाहता था और उसने 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गया। पूर्व मंत्री हरजीरा बुर्रक के बेटे से सिर्फ 2 वोटों से पंचायत चुनाव हारने के बाद साल 2006 में वो अपराध की दुनिया में चला गया। इसके बाद वो एक के बाद एक जुर्म करता चला गया और राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। आनंदपाल बेहद खूंखार था। कहा जाता है कि वो लोगों को किडनैप करके एक बेहद छोटे से पिंजड़े में बंद कर देता था और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देता था। जुर्म की दुनिया में आनंदपाल का प्रवेश 2006 में हुआ था, जब डीडवाना में उसने जीवन राम गोदारा नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आपको बता दे, जीवन राम उसका वो दोस्त था जिसने आनंदपाल को बारात में घोड़ी पर चढ़ाया था। डीडवाना में दर्ज 13 मामलों में से 8 में उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ था। उसके बाद सीकर में हुए गोपाल फोगाट हत्याकांड में भी उसी का हाथ बताया जाता है। ये मामला विधानसभा में भी उठा। जून 2011 में उसने बीकानेर के सुजानगढ़ में भजलोई चौराहे पर गोलीबारी की थी, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। आरोप था कि उसी दिन उसे गनोड़ा जगह के शराब ठेके पर सेल्समैन के भाई को मार दिया था। पहले वो बीकानेर और फिर अजमेर जेल में बंद था। 3 सितंबर 2015 को आनंदपाल और उसके साथी सुभाष मुंड की नागौर कोर्ट में पेशी थी। पुलिस वैन में उसे फिर अजमेर सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा था। आनंदपाल ने लौटते हुए पुलिस वालों को नशीली मिठाई खिलाई, जिसमें उन्हें नशा आ गया। आगे उसके साथियों ने सड़क रोक ली और गोलियां चलाते हुए उसे भगा कर ले गए। इसी बीच इसमें एक पुलिसकर्मी भी मारा गया था। इसके बाद उसने जमकर अपराधों को अंजाम दिया। सालों से आनंदपाल को ढूंढने वाले पुलिस को 2017 में 24 जून को करीब रात 11:30 बजे सूचना मिली कि आनंदपाल चूरू के मोलासर गांव में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस ने एक स्पेशल ऑपरेशन तैयार किया और तुरंत प्रभाव से आनंदपाल को ढूंढना शुरू कर दिया। राजस्थान के चूरू जिले के रजतगढ़ इलाके के गांव मोलासर में हाईवे के निकट 2 मंजिला मकान को पुलिस और एसओजी की टीमों ने चारों ओर से घेर लिया। पुलिस के मुताबिक मकान की ऊपरी छत पर मौजूद था आनंदपाल। मोस्ट वांटेड अपराधी आनंदपाल सिंह की ओर से एक्शन से पहले सरेंडर की चेतावनी दी गई, लेकिन जवाब में आनंदपाल ने AK-47 से गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और आनंदपाल मारा गया। 24 जून 2017
ये वो तारीख है जब चूरू में आनंदपाल का एनकाउंटर हो गया था, लेकिन इस कहानी की शुरुआत 2016 से हुई थी जब दिनेश एमएन को राजस्थान में एसओजी का आईजी बनाया गया था। राजस्थान में एसओजी स्पेशल ऑपरेशन के लिए बने ग्रुप को कहते हैं। जिस समय दिनेश एमएन ने ये पद संभाला उस समय आनंदपाल फरार चल रहा था। दिनेश एमएन के नेतृत्व में एसओजी ने जो प्लान बनाया उसके मुख्य तीन पॉइंट थे। आनंदपाल से पहले गुरकों को जेल में डालकर पूरे नेटवर्क को तोड़ना, आनंदपाल गैंग से जुड़ी बेनामी संपत्ति को जब्त करना, गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में सजा सुनिश्चित करना। एसओजी ने सबसे पहले बीकानेर और नागौर समेत अलग अलग जिलों की पुलिस की मदद लेकर आनंदपाल गैंग से जुड़े पूरे नेटवर्क की डिटेल निकालनी शुरू करी। अलग अलग मामलों में उनके गुरकों को गिरफ्तार कर सजा दिलाना शुरू किया, जिसमें नागौर के तत्कालीन एसपी पारिस देशमुख, एसपी राहुल बारेठ और एडिशनल एसपी ज्ञानचंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस पड़ताल से ये फायदा हुआ कि तीन अलग अलग केस में आनंदपाल गैंग के 20 से 25 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो गई। धीरे धीरे गैंग टूटने लगी, एक्टिव मेंबर कम होने लगे और इसके साथ ही आनंदपाल गैंग की 120 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली थी। उसी प्रॉपर्टी को बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में भी जब्त कराया गया। धीरे धीरे आनंदपाल गैंग के 150 के करीब लोग शिकंजे में आ चुके थे। इसमें एसओजी, एटीएस, नागौर पुलिस, जयपुर पुलिस, सीकर पुलिस, चूरू पुलिस ने अहम भूमिका निभाई। अगर किसी आरोपी को जमानत मिल भी जाती तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जमानत के खिलाफ अर्जी लगाई जाती। इसमें आरोपियों को महंगे वकील करने के लिए मोटी रकम खर्च करनी होती थी और धीरे धीरे वे आर्थिक रूप से कमजोर होते जाते। बीकानेर में दुर्गा दत्त नाम का पुलिस कांस्टेबल किसी मामले में सस्पेंड चल रहा था। दुर्गा दत्त को भी एसओजी की टीम का हिस्सा बनाया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस जुटाने पर लगाया गया। 12 जून 2017 के दिन इसमें कामयाबी मिली। दुर्गा दत्त ने आनंदपाल गैंग से जुड़े एक शख्स को इन्फॉर्मर के तौर पर तैयार किया। रात को 12 बजे दिनेश एमन से बात कराकर उस युवक को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। दिनेश एमन ने रात 1 बजे अपनी वर्दी के साथ फोटो खींचकर दुर्गा दत्त को भेजा और उस व्यक्ति को भरोसा दिलाया। यहीं से आनंदपाल की गैंग में घुसपैठ करने में एसओजी कामयाब हुई। धीरे धीरे उसके भाइयों और उसकी लोकेशन जुटाई गई। कई नंबर को सर्विलांस पर लिया गया और आखिरकार एक रोज सटीक सूचना पर उसके भाइयों को पकड़ा और उसकी जानकारी के आधार पर ही आनंदपाल तक पहुंचने में कामयाब रही। ये कहानी थी आनंदपाल के 2006 से लेकर 2017 तक के अपराध। इसके बाद बात करते हैं कि आनंदपाल सिंह ने कैसे राजस्थान की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। राजस्थान में एक से बढ़कर एक गैंगस्टर्स है। कुछ गैंगस्टर्स का सीधा असर सरकार पर है। उन्हीं में से आनंदपाल सिंह का नाम बहुत खास है। आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद से वसुंधरा राजे की सरकार को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। करणी सेना ने सरकार के खिलाफ जमकर आंदोलन किया। राजपूत समाज की नाराजगी को सरकार नहीं दूर कर पाई और इसी नाराजगी का असर चुनावों में राजपूत बाहुल्य सीटों पर देखने को मिला था। भाजपा राज के दौरान हुए इस एनकाउंटर से कांग्रेस का सत्ता में आते ही इसके प्रति रुख बदल गया और अशोक गहलोत ने करीब 90 पुलिस कर्मियों को नगद पुरस्कार देकर और 6 अफसरों को प्रमोशन पत्र देकर सम्मानित किया। सियासी हलकों में सरकार के इस फैसले की जबरदस्त चर्चा हुई थी। विपक्ष में रहकर एनकाउंटर पर सवाल उठाने, चुनावी मुद्दा बनाने वाली पार्टी की सरकार ने वसुंधरा राजे के दौरान हुए एनकाउंटर के सही होने पर मोहर लगा दी थी। 24 जून 2017 को हुए एनकाउंटर से कांग्रेस ने वसुंधरा राजे की सरकार को घेरा और सवाल उठाते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की। राजपूत समाज और कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर आंदोलन किया। इस आंदोलन में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रताप सिंह खाचरियावास, रघु शर्मा, राजेंद्र गुड्डा सहित कई बड़े नेता शामिल थे, जिन्होंने लगातार सवाल उठाते हुए वसुंधरा सरकार को घेरा था, एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की थी। कांग्रेस ने फरवरी 2018 में हुए अजमेर, अलवर लोकसभा सीट और मांडलगढ़ विधानसभा सीट के उपचुनाव में आनंदपाल एनकाउंटर को मुद्दा बनाया था। आंकड़ों की बात करें तो विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक पाल को पकड़ने के लिए करीब 8 से 9 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके बाद ही राजस्थान की सरकार ने चैन की सांस ली थी।
याद करने वाले पाल को अपनी अपनी तरह से याद करते हैं, जैसे कि वो कहता था कि जुर्म की दुनिया में बैक गियर नहीं लगता है, जिसके फर्राटेदार गाड़ी चलाने के किस्से और 150 पुशअप लगाने के किस्से बेहद मशहूर है, लेकिन गुनाह तो गुनाह होता है। 2006 से शुरू हुई कहानी का अंतिम अध्याय 24 जून 2017 को राजस्थान पुलिस ने लिखा था। अगले एपिसोड में मिलेंगे ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।